दोस्तों, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का शनिवार को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। शीला दीक्षित को बीमार होने के चलते एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। शीला दीक्षित के अचानक निधन से देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके निधन पर शोक जताया है। बॉलीवुड से भी अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, उर्मिला मातोंडकर, मनोज तिवारी समेत कई सेलेब्स ने ट्वीट कर दुख जताया। पूरे देश में मॉनसून ने अपना कहर बरपा रखा है। बिहार और असम में जारी बाढ़ के कहर में अब तक 139 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बिहार में बाढ़ से अब तक 92 और असम में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। वहीं राज्य सरकारों के साथ बॉलीवुड सितारे भी पीड़ितों की आर्थिक मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। मलाइका अरोड़ा किसी न किसी वजह से खबरों में बनी रहती हैं। इन दिनों वो अपनी गर्ल गैंग के साथ मालदीव्स में वेकेशन मना रही हैं। लेकिन इससे पहले मलाइका ने डांस रियलिटी शो डीआईडी की शूटिंग की। इस दौरान उन्होंने एक किस्सा शेयर किया जिससे उनके फैंस अनजान थे। सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर की पॉपुलैरिटी किसी स्टार से कम नहीं है। तैमूर जहाँ भी जाते हैं उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। लेकिन इन दिनों तैमूर के साथ साथ सनी लियोनी के बेटों की चर्चा जोरों से होने लगी है। बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने हाल ही में अपना 36वां जन्मदिन मनाया था। इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर उनके फैंस तक सभी लोगों ने अलग अलग अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया था। हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग बसु ने कैटरीना कैफ का एक मीम शेयर किया। उनका यह मीम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बॉलीवुड की ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें।